हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पुष्पाज किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं गोंद के लड्डू। जिनके घुटनों में दर्द रहता है और कमर में दर्द रहता है, उनके लिए भी ये लड्डू बहुत गुणकारी है। बच्चों की हेल्थ और माइंड के लिए बहुत गुणकारी लड्डू है। लेडीज जो सारे दिन काम करके थक जाती है, ये लड्डू खा लेंगी तो एनर्जेटिक रहेगी। तो चलिए आज हम इसे बनाते हैं। हमने 800 ग्राम गेहूं का आटा लिया है, 700 ग्राम हमने देसी खांड ली है, और ये 800 ग्राम हमारा देसी घी है। 1 चम्मच सौंठ ली है और आधा चम्मच हमने इलायची पाउडर लिया है। ये खरबूजे के बीज लिए हैं, गोंद लिया है, काजू लिए हैं, नारियल का बुरादा भी ले सकते हैं। हमने ये गोला खस के लिया है, बादाम और अलसी ली है। अब गैस पे हम कढ़ाई चढ़ाएंगे, सीमांच पे। सबसे पहले हम अलसी और खरबूजे के बीज को रोस्ट करेंगे। इनको सीमांच पे हमें रोस्ट करना है। अलसी 1 से 2 मिनट में चटकने लगती है और इसका सारा मॉइस्चर खत्म हो चुका है। अब इस अलसी को हम अलग बर्तन में निकाल लेंगे। अलसी हाजमे के लिए बहुत ही गुणकारी होती है। खरबूजे के बीज को भी हम इसी तरीके से रोस्ट कर लेंगे। ये लगभग 50 से 60 ग्राम हमने खरबूजे के बीज लिए हैं और 100 ग्राम हमारी अलसी थी। इसी तरीके से चटकने लग जाए तब हम इनको भी अलग बर्तन में निकाल लेंगे। अब उसी कढ़ाई के अंदर 2 बड़े चम्मच घी डालेंगे। घी को अच्छा सा गरम करेंगे मीडियम फ्लेम पे। अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा गोंद डाल के हम इसको भी रोस्ट अच्छे से फ्राई करेंगे। गोंद कमर दर्द के लिए और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी और गुणकारी चीज है। गोंद को हम घी में डालते हैं तो चटक की आवाज आती है। जब चटक की आवाज बंद हो जाए और इस तरीके से ये फूल जाए पूरा और हल्का सा ब्राउन होने लगे, तभी हमें इसको अलग बर्तन में निकाल लेना है। ये देखिए, इस तरीके से हो जाए। अब हम इसे अलग बर्तन में निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम थोड़ा थोड़ा करके उसी घी में सारा गोंद इस तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक निकाल लेंगे फिर करके। जो बाकी बचा हुआ घी है उसमें हमने 1 कटोरी बादाम डाल दिए। बादाम और काजू, गोंद, आप इनकी क्वांटिटी फिक्स न रखें, आप जितने चाहे ले सकते हैं। हमने इसे 200 ग्राम के आसपास लिया है। ये लगभग 1-1 कटोरी है। काजू को भी इसी तरीके से रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए, घी थोड़ा सा था बिल्कुल, इसमें इसी तरीके से हल्का सा ब्राउन होने लगे तब तक काजू को रोस्ट करके वो भी अलग बर्तन में निकाल लेंगे। ये गोंद और सारे ड्राई फ्रूट हमने तैयार करके रख लिए हैं। अब एक कढ़ाई चढ़ाएंगे, दूसरी बड़ी कढ़ाई जो मोटे तले की हो, और उसके अंदर हम घी डालेंगे। घी डाल के मीडियम फ्लेम पे, घी गरम हो रहा है तब तक इसके अंदर आटा भी डाल देंगे। ये लड्डू बनाने का सबसे मेन प्रोसीजर है, आटे को हमें बहुत अच्छे से सेकना होता है। अगर आटा कच्चा रह जाता है तो लड्डू का टेस्ट बिल्कुल खराब हो जाता है। इसलिए हमें आटे को मीडियम फ्लेम पे आराम से मोटे तले की कढ़ाई में सेकना है।
इस तरीके से मीडियम फ्लेम पे ही सेकना है, गैस की आंच को तेज नहीं करना है। और घी की क्वांटिटी कोई फिक्स नहीं है, अगर आपको ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सा आटा हमारा टाइट लग रहा है तो घी हम और भी डाल सकते हैं। आप देख लीजिए इस तरीके से आटा हमारा सिकना चाहिए। आराम से धीरे धीरे सेकते रहेंगे जब तक कि ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन हमें दिखने लग जाए। ये देखिए आटा एकदम हल्का और फ्लफी हो गया है और इसी तरीके से गोल्डन ब्राउन सा दिखने लग गया है। पूरा अच्छे से आटा सिक गया है। गैस को बंद कर देंगे। बंद करने के बाद में भी हमें इसको चम्मच को 5 मिनट तक चलाना है ताकि हमारा कढ़ाई के आटा चिपक के जल न जाए। जब तक ये आटा ठंडा हो रहा है हम ड्राई फ्रूट को पीस लेते हैं मिक्सी में। इनको हमें दरदरा पीसना है, आप चाहे तो इसको कूट भी सकते हैं। इनको अब ढक्कन लगा के हल्का सा ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से लड्डू में ये छोटे छोटे टुकड़े आते हैं, खाते वक्त तो बहुत ही क्रंची और टेस्टी लगते हैं। अलसी को भी हम पाउडर बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से पाउडर बना के उसी बर्तन में हम अलसी का पाउडर निकाल देंगे। ये जो गोंद हमने लिया था, गोंद को किसी थाली में निकाल के इस तरीके से दबा के हम थोड़ा सा क्रश कर लेंगे। आपके पास अगर इस तरीके का क्रश करने का है तो आप इससे कर सकते हैं, वरना आप कटोरी से भी कर सकते हैं। ये देखिए आराम से हो रहा है। इस तरीके से अच्छे से गोंद को क्रश कर लेंगे। थोड़ा सा आटा हमारा हल्का गर्म है तभी हम आटे के अंदर नारियल का जो हमने गोले का खसा था वो नारियल डाल देंगे। आप चाहे तो नारियल का बुरादा भी ले सकते हैं। और उसी वक्त हम हमारे ड्राई फ्रूट अलसी खरबूजे के बीज जिनको हमने मिक्सी में पीस लिया है वो डाल देंगे और गोंद डाल देंगे। इन सबको अच्छे से आटे के अंदर मिक्स कर देंगे। ये देखिए खूब सारे ड्राई फ्रूट और आटा मिक्स होके बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में हमारा मिक्सचर तैयार हुआ है। ये हमने 1 चम्मच सौंठ का पाउडर लिया था और आधा चम्मच हमारा इलायची पाउडर है जो कि टेस्ट को भी बहुत अच्छा कर देगा लड्डुओं के। इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये इतना ठंडा हो जाए कि इसे हम आराम से हाथ लगा सकते हैं। ये देखिए बहुत ज्यादा ठंडा होके जम जाए, उतना ठंडा भी नहीं करना है हमें इसे। नॉर्मल ठंडा होने के बाद में इसके अंदर हम देसी खांड मिला देंगे। देसी खांड आप थोड़ी सी और ले रहे हैं जो लगभग क्वांटिटी में आटे के बराबर है, क्योंकि ड्राई फ्रूट मिलके हमारा मिक्सचर हमें ज़्यादा लग रहा था। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए अब इनके लड्डू बनाते हैं हम। इस तरीके से गोल गोल लड्डू बन के तैयार हो रहे हैं। ये देखिए बहुत ही टेस्टी और हेल्दी लड्डू होते हैं। ये सर्दियों में ज़रूर बनाइए और खाइए और खिलाइए। बच्चों के लिए तो बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही हेल्दी लड्डू है। अगर आप एक लड्डू खा लेंगे तो फुल एनर्जेटिक रहेंगे। इसी तरीके से हमने ये देखे सारे लड्डू बना लिए हैं।
बादाम की और ड्राई फ्रूट्स जितने भी आप डालना चाहें, इनकी कोई क्वांटिटी फिक्स नहीं होती है। घी की भी क्वांटिटी अगर आप चाहें तो थोड़ी कम कर सकते थे, लेकिन इसमें हमने घी की क्वांटिटी आटे के बराबर रखी है और बहुत ही हेल्दी और टेस्टी लड्डू तैयार हुए हैं। आप भी सर्दियों में ऐसे लड्डू बनाइए और खिलाइए। ये खाने में बहुत टेस्टी भी होते हैं और गुणकारी भी होते हैं। अगर आपको लड्डू बनाने की रेसिपी अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा। लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।